ये देखिए, बाबा साहब ने अपना बात तो खड़ी कर दी, उन्होंने जो बोला था वो तो करके दिखाया, और उन्हें जो जो बोला है वो आज सही मायने में इस देश के लिए सही हो रहा है। बाबा साहब ने ये भी बताया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं निर्भर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन चलाने वाले कैसे कितने अच्छे हैं बुरे, उसके ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है उसको तय होगा। अभी आज यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हालात पैदा कर रहे हैं लोग, इससे लोगों में एक बड़ा असंतोष है। धर्म के नाम पे अलग से एक माहौल खराब किया जा रहा है, फिर महंगाई से गरीबों को मार पड़ रही है, इसके वजह से पूरे देश में एक तरीके का असंतोष है। इस असंतोष को ये महंगाई बेरोजगारी का जो असंतोष है उसको सही मायने में लोगों का लक्ष्य उससे हटाने के लिए धर्म के नाम के जाति के नाम पे भावनात्मक जो ये किया जाता है आह्वान किया जाता है, भावनात्मक जो खेल किए जाते हैं पॉलिटिक्स के, वो आज देश में चल रहे हैं। महाराष्ट्र में जो जिस तरह से मसला खड़ा हुआ है अजान के तालुक से, इससे पहले ऐसा मसला नहीं देखा है, इसकी क्या वजह से? हालांकि वहां पर कोई, जैसा कि कहते हैं कि लोग, फिरका प्रस्त हुकूमत नहीं है, वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां पर एनसीपी की गवर्नमेंट है, क्यों मसला क्यों है सर वहां पे? जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां के सरकार अस्थिर करने का एक पूरा प्रोग्राम ही यहाँ देखा है। आप अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा, तो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो और कई राज्य हो, जहाँ जहाँ अपोजिशन, बंगाल हो, जहाँ जहाँ अपोजिशन का सरकार है, राज्य सरकार है, वहाँ वहाँ ये बातें हो रही है, और वहाँ वो सरकारें अस्थिर करके बीजेपी का शासन नहीं तो राष्ट्रपति शासन लाने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के सिलसिले में अंबेडकर साहब की एक बहुत बड़ी लॉबी थी, लेकिन आज इन दिनों वो लॉबी दम तोड़ रही है, आप लोगों के वैसे एक्टिविटीज़ क्या हो रहे हैं? नहीं देखो, रिजर्वेशन का मसला तो ऐसा है कि रिजर्वेशन तो मिल रहा है, मगर अभी ये सरकार क्या कर रही है रिजर्वेशन कम करने के लिए, जो सरकारी अफसर है, सरकारी कंपनियाँ है वो प्राइवेटाइज कर रही है, और वो बहुत कम पैसे में बेचा जा रहा है। जो आपने अभी देखा होगा LIC का IPO आया, जिसका एक्चुअल प्राइस 1100-1200 रुपये होना चाहिए था, वो 800-900 रुपये में बेच रहे हैं। तो इस तरीके से सरकारी कंपनियां रद्दी भाव में बेची जा रही है, और हम लोग ने देखा होगा कि 2014 में जब ये नया शासन आया तब अंबानी की प्रॉपर्टी, और आज के अंबानी की प्रॉपर्टी, आज वो वर्ल्ड का 5th रैंक का ये रिचेस्ट मैन हो गया है। तो ये जो हो रहा है तो ये सब पूरी साजिश है। क्या अगर आप उनका जो RSS के जो हेगड़ेवार साहब थे, उनका जो ये बुक है उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आपका देश पे पूरा ताकत से शासन करना चाहते हो तो वहाँ देश में 80-85% लोगों को एकदम गरीब कर दो, एकदम मीन्स खाद्य के लिए मोहताज कर लो, तो वो आप बोलेंगे वैसे ही सुनेंगे। तो इस तरीके का ये देश का जो अभी आज के हालात है वो उस तरीके से हो रहे हैं, उसमें खाली आप ही नहीं सभी लोगों को, मीन्स दलित है, OBC है, सभी लोगों के हाल वो उस तरह करते रहे, मगर ये पता न चले जनरल पब्लिक को, इसके लिए वो धर्म का नाम ले रहे, धर्म के नाम पे वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू वेरी मच।